हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि डेट कब आएगी, टेट कब आएगी एग्जामिनेशन की, तो फाइनली डेट आ चुकी है। किन किन एग्जाम की डेट आई है, एनटीए ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी तरफ से जारी किया है उसमें कौन से एग्जाम की डेट आई है और आगे जो आने वाले बाकी एग्जाम्स हैं उन सब की डेट कब आएगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। और वीडियो में बने रहिए, जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ऊपर nta.ac.in। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको नए यहाँ पर जो विज्ञप्ति है, लेटेस्ट जो न्यूज है वो जारी की गई है, किन किन एग्जाम के बारे में है तो यहाँ पर देखते हैं। तो आप जैसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या तो आप nta.ac.in पर जाएंगे वहां पर मिलेगी, या तो फिर nta.net.ac.in पर आपको मिलेगी। इसमें आने पर जैसे आप यहाँ लेटेस्ट एट द रेट एनटीए पर करेंगे तो यहाँ आर्काइव करते हैं हम और चलते हैं अपनी लेटेस्ट न्यूज पर। तो देखिए दो प्रेस रिलीज हैं, दो तीन जहां पर आपको चीजें दिखाई देती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये दो प्रेस रिलीज जो है, इन दोनों में एनटीए ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जारी किया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रेस रिलीज ओपन हो रहा है, तो इसमें तो वो बातें बताई गई हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक सेकेंड। तो पहली प्रेस रिलीज है, इसमें क्या बात बताई गई है एनटीए के संबंध में कि COVID-19 के चलते हुए सीट जो है वो इंक्रीज की गई है, COVID-19 पेंडेमिक के चलते हुए जो अभी तक केवल 660 शिफ्ट में सारे होने थे, सॉरी एग्जामिनेशन सेंटर है केवल 660 सेंटर थे, अब उनको बढ़ा करके ताकि बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा कैंडिडेट एक ही थोड़े से चीज में कंसंट्रेट ना हो जाए, उनको उन इन सेंटर्स को बढ़ा दिया गया, 828 तक इन सेंटर्स को कर दिया गया है, ठीक है। और इस तरीके की कई सारे और विंडोज यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे, जो सेंटर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि यहाँ पर दूसरा जो प्रेस रिलीज हम देखते हैं, यहाँ पर बताई गई है एग्जाम की डेट, ठीक है। जैसा कि मैंने देखिए शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये जो एग्जामिनेशन डेट है अभी किन सेशंस की आई है, किन एग्जाम की आई है, तो उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। तो ये प्रेस रिलीज देखिए 6 जुलाई 2021 को आया था और आज है 7 जुलाई, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पोस्टपोन अप्रैल एंड मई सेशन, ये जेईई से संबंधित ये प्रेस रिलीज है, लेकिन ये एनटीए यूजीसी नेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी एग्जाम डेट भी बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है, अब नजदीक ही एग्जाम डेट आ सकती है। तो इसमें एक क्या काम किया है इन्होंने, तो आप जब इसको पढ़ेंगे, एक तो एग्जामिनेशन डेट लॉन्च की गई है, एग्जामिनेशन डेट के बारे में बताया है। दूसरा, जो दो सेशन होते हैं हर साल में, आपको पता होगा एक तो जून जुलाई के समय पर, दूसरा नवंबर दिसंबर के समय पर, तो इस बार तो एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो जो नेक्स्ट सेशन के स्टूडेंट थे उनके लिए भी एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है उसको ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है री इन्वाइटिंग, या फिर ये री ओपन कर रहे हैं अपने वेब पोर्टल को, तो जेईई जो कैंडिडेट हैं वो री ओपन कर सकते हैं। और कब से कब तक इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, तो देख रहे हैं आप, सबमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 8 जुलाई तक है, और इनका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 20 से 25 जुलाई के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा सेशन 4 जो है यहाँ पर 9 से 12 जुलाई के बीच में सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 12 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली है, नीचे साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि करेक्शन के लिए आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ध्यान से बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि करेक्शन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पर आ चुकी है, तो करेक्शन के लिए समय नहीं दिया जाएगा, आपको एक ही बार में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म बिल्कुल अच्छे से फॉर्म करना फिल करना होगा। और जो स्टूडेंट पिछले सेशन में जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था उसके अलावा एक नया फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अगर उसमें कोई गलती है ऐसी कुछ चीज, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोनों एग्जामिनेशन की आप डेट देखिए, सेशन 3 और सेशन 4 की, जेई मेंस की, तो 20 से 25 जुलाई है और 27 से 2 अगस्त के बीच में है, ठीक है। तो आप मान के चलिए अब आपकी जो एनटीए यूजीसी नेट की डेट है, चाहे सीएसआईआर यूजीसी नेट हो चाहे एनटीए यूजीसी नेट हो, बहुत दूर नहीं है, अगस्त में मान के चलिए, इस जुलाई में आपकी डेट भी आ सकती है, पूरे पूरे चांसेस हैं जुलाई में आपकी डेट आने के। और जेई का जैसे ही एग्जाम होता है, क्योंकि देखिए एक साथ सभी एग्जाम को करा पाना तो मुश्किल है, इसलिए होगा क्या, ये एक अनुमान है, अगर ऐसा होता है तो देखिए ये मेरा अनुमान है,
इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं कि बड़ी बात होगी कि मैंने मेरा N1 परफेक्ट बैठ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो तो NTA के ऊपर है कि वो क्या कराना चाहते हैं। मैं एक अनुमान के तौर पे आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जब उन्होंने देखिए दूसरे प्रेस रिलीज हम देखें तो यहाँ पर पहले ही सेंटर्स को बढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होंगे, स्टूडेंट्स इकट्ठा होंगे, तो वो पेंडेमिक को देखते हुए वैसे ही खतरा है। तो 660 सेंटर थे उसको 828 सेंटर कर दिया है। तो एक साथ JEE का भी एग्जाम हो, NTA का भी, CSIR का भी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अभी पहले देखिए JEE का एग्जाम हो रहा है, तो 27 जुलाई तक इनका, जुलाई अगस्त तक इनका एग्जाम चलने वाला है। तो अगस्त जुलाई जुलाई इसके बाद अगस्त आएगा, तो अगस्त में होने के आपके चांसेस हैं, अगस्त से सितंबर में आपके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस, क्योंकि लंबा प्रोसेस चलता है यूजीसी नेट का। तो अगस्त से सितंबर में आपके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जो एग्जामिनेशन की डेट है वो आप मान के चलिए कि जुलाई महीने में आपको एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर होती हुई नजर आएंगी। ये मेरा पूरा अनुमान है इस सर्टिफिकेट को देखते हुए, ठीक है, ये जो आपका प्रेस रिलीज जारी हुई है इसको देखते हुए। ठीक, तो ये आज का एक नोटिफिकेशन है। आई होप कि आपको ये इससे कुछ ना कुछ एक अंदाजा, एक ओवरव्यू मिला होगा कि एग्जामिनेशन डेट कब तक आ सकती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो जिन्होंने भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, तो उनको ये जरूर सेंड कीजिएगा। क्योंकि अब आपको जरूरी है कि आप अपनी कमर कस लीजिए। कमर कस लीजिए का मतलब है कि आप अपनी प्रिपरेशन को, अगर आप अभी तक कछुए की चाल से चला रहे हैं, तो थोड़ा उसको स्पीड कर दीजिए, स्पीड अप कर दीजिए, क्योंकि समय आपको वैसे बहुत मिल चुका है पढ़ने पढ़ाने का, है ना। तो अब उसको आपको स्पीड कर देना है, और जो भी टॉपिक आपके अभी तक कवर नहीं हुए तो फटाफट से उनको कवर कर लीजिए। रिविजन में थोड़ी बहुत कमी है, रिविजन कर लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ क्लासेस में आपने आजकल, हो सकता है थोड़ा सा रिविजन के लिए, रिविजन से आप थोड़ा सा दूर हो गए, तो रिविजन मोड में आ जाओ बिल्कुल। प्रैक्टिस मोड में आप हमेशा रहते हैं, रिविजन कीजिए खूब, क्योंकि प्रैक्टिस और रिविजन ही ये दो वो चीजें हैं जो लास्ट टाइम में आपको काम आने वाली हैं। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको अनअकैडमी की अपनी प्रोफाइल को दिखा देता हूँ। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, जहां पर NTA यूजीसीनेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित बहुत कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं। अभी रिसेंट हम देखिए, ये थॉट का कोर्स है और प्रैक्टिस कोर्स है MCQ के थ्रू हम जो डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस कोर्स नवीन सर के साथ मैं कवर करा रहा हूँ आपको। नवीन सर आपको पेपर 1 कवर कराते हैं, पेपर 2 मैं आपको इसमें कवर कराने वाला हूँ। डेली स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कीजिए। देखिए जून का हम जो PYQ सेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये सब आप ही के लिए है, प्रैक्टिस करना है आपको, रिविजन करना है, और एग्जाम की डेट अब आप देख ही चुके हैं कि नजदीक आ चुकी है। तो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर दीजिए और बिना देरी किए हुए अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल एक्टिव कर दीजिए कि भाई अब डेट आ चुकी है, डेट हमारी भी आ सकती है कभी भी, तो बिल्कुल तैयार रहें सभी। इसी शुभकामना, आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। इसको शेयर कीजिएगा खूब। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।